गाइस, दिस इज गौरी। वेलकम टू माय चैनल अगेन, लाइफ ऑफ गौरी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रीन टी। तो अक्सर हम सुनते हैं कि ग्रीन टी वेट लॉस करता है। क्या एक्चुअली वेट लॉस करता है? ऐसी इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो वेट लॉस करने में बहुत हेल्पफुल हैं? तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है, ग्रीन टी में ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? तो उनके लिए ही पहला हमारा है उसमें मैग्नीशियम, जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितना आयरन ज़रूरी होता है, उतना ही मैग्नीशियम ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले इन दो पोषक तत्वों की बात कर लेते हैं कि ये क्यों बॉडी के लिए ज़रूरी है। पहला, मैंने जैसे आपको बताया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी है? देखिए, मैग्नीशियम क्या वर्क करता है बॉडी में, जो हमारी ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ये उसको घटाने का काम करता है, जिससे जो आपका बीपी का जो लेवल होता है बॉडी के अंदर वो मेंटेन हो जाता है। यानी कि खून जब गाढ़ा हो जाता है तो आपकी बीपी हाई की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो वो उसको नॉर्मलाइज करने का काम करता है। इसलिए हमारी बॉडी में सही मात्रा में मैग्नीशियम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है आपका फॉलेट इसके अंदर। तो फॉलेट का क्या वर्क है? फॉलेट आपको भरपूर मात्रा में बॉडी में रहना चाहिए। ये ज़्यादातर आपकी जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं या फिर कुछ खट्टे फल होते हैं, उनमें पाया जाता है। और इसका जो मेन काम है वो है रेड ब्लड सेल्स को बनाना। जितनी भी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों से बनती है, लेकिन उसके लिए हमारा जो फोलेट एसिड होता है, यानी कि फॉलिक एसिड जो होता है, उसकी मात्रा हमारी बॉडी में रहती है, तो कभी भी हमें एनीमिया जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट, जो दो हमारे पोषक तत्व हैं, उसमें पहला है विटामिन बी और दूसरा है फ्लेवोनॉइड। तो विटामिन बी की तो मात्रा बॉडी में जितनी ज़्यादा रहेगी, मतलब उतना ही बॉडी आपकी स्ट्रांग रहेगी और एनर्जेटिक रहेगी। तो विटामिन बी तो आपको पता ही है कि विटामिन कितना नेसेसरी है। लेकिन सेकंड है फ्लेवोनॉइड, जो कि आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा चीज़ों से मिलता है, जैसे बेरीज में होता है, सेब में होता है और ग्रीन टी में होता है। और भी एक दो चीज़ें हैं जिसमें ये मौजूद रहता है, लेकिन जो प्रेजेंट आपके आप देखते हैं, इन चीज़ों में ये मिल जाता है इजीली। और ये जो अल्जाइमर जो डिसीज़ होती है, अगर आप भरपूर मात्रा में अपनी बॉडी में फ्लेवोनॉइड को लेते हैं तो उसको होने से रोकता है अल्जाइमर को। अल्जाइमर एक बहुत भयंकर डिसीज़ है, जिसकी आई थिंक सो अभी तक कोई भी दवाई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है जिससे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। तो इसमें ये भरपूर मात्रा में ग्रीन टी में होता है, आप इसका सेवन इजीली कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा फ्लेवोनॉइड होता है। इसमें कैटेचिन नामक फ्लेवोनॉइड होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। यानी कि जो भी दिन भर हम उल्टा सीधा खाते हैं और उससे जो हमारी बॉडी में गंदगी जो जमा होती है, तो वो उसके थ्रू क्या होती है, बाहर निकलती रहती है। तो इसीलिए हमारे लिए ग्रीन टी बहुत हेल्पफुल है। और यही जो आपका फ्लेवोनॉइड है, यही आपके मोटापे को कम करने का काम करता है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें कुछ है तो वो यही है, कैटेचिन फ्लेवोनॉइड, जो कि आपके मोटापे को कम करने में हेल्प करता है। तो गाइस, इसको आप लीजिए। अब लेना कब है इसको, सबसे बड़ी बात ये है। तो पूरे दिन में आप इसे 2 से 3 कप ले सकते हैं, और खाली पेट इसको कभी ना लें, या तो आप ब्रेकफास्ट के बाद जस्ट लें, लंच के बाद लें, और आफ्टर डिनर रात में सोते समय लेने से ये वेट लॉस में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगर हो सकता है दूध की जगह आप इसका यूज़ कीजिए, जिसको भी अपना वेट कम करना है तो वो इसको इजीली ले सकते हैं। अगर कुछ जितनी भी लेडीज़ हैं, अगर वो करना चाहती हैं, जेंट्स हैं जो भी वेट लूज़ कर रहे हैं अपना, और ग्रीन टी उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार उसमें हनी ऐड कर सकते हैं, फिर उसको ले सकते हैं। और बनाने की विधि इसकी सिंपल है, टी बैग्स आते हैं या आप खुली ग्रीन टी भी यूज़ कर सकती हैं, पैकेट्स आते हैं। और उसको क्या करना है, आपको 1 कप पानी लेना है, उसको पहले अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करके उसमें थोड़ी सी मात्रा में आपको वो लीव्स डाल देनी है। जैसे ही वो लीव्स खुल जाएंगी, वो बंद होती हैं, खुलने के तुरंत बाद आपको गैस ऑफ कर देना है और 1 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है, और फिर छान के उसको आप पी सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली पानी आप क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, और जो टी बैग्स होते हैं, बॉईल करके आप अपने कप में पानी को डाल लेंगे और टी बैग्स का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं।
टी बैग्स को बहुत ज़्यादा मना किया जाता है क्योंकि एक्चुअली उसमें जो पेपर यूज़ किया जाता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको मैं प्रेफर करूँगी आप खुली ग्रीन टी का यूज़ करें। ये बहुत ही हेल्पफुल है बॉडी के लिए। और गाइस जो भी लोग वेट लूज कर रहे हैं वो इसका प्लीज़ उसका ज़रूर यूज़ करें, इसको इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और कुछ इसकी मैं बेनिफिट्स बताती हूँ। दिल की बीमारियों जितनी भी होती हैं, जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, वॉल प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें ये हेल्पफुल रहता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है बॉडी के लिए ग्रीन टी। दूसरा, ये कैंसर से भी हमें बचाने का काम करता है क्योंकि कैंसर तब होता है जब एक्स्ट्रा मात्रा में हमारी बॉडी में गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है, सेल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, तब हमें कैंसर की डिसीज़ होने का चांसेस हो जाते हैं। और स्किन के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिनकी भी ड्राई स्किन है उसमें ये नमी लेके आता है। इसके ग्रीन टी के कुछ पैक्स भी बनाए जाते हैं, फेस पैक भी बनाए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैंने वो यूज़ किए हैं और ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और बाकी ये आपकी बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, मोटापे को कम करने में तो हेल्प करता ही करता है। ग्रीन टी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें कैफीन की जो मात्रा होती है वो भी आपका वेट रिड्यूस करने का काम करता है, तो गाइस इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मेमोरी बूस्ट करने में हेल्प करता है, और इसका जो है डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ग्रीन टी उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल को तो मैंने आपको बताया है कम करता ही करता है, एंड जिसको भी अर्थराइटिस है, जोड़ों में पेन है, सूजन है, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो गाइज ये पूरी तरह से आपके लिए सेफ़ है। और अगर आपको टी ही लेनी है तो प्लीज़ जो रेगुलर आप दूध की टी यूज़ करते हैं उसको छोड़ दीजिए और ग्रीन टीज़ को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप ग्रीन टी को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड कीजिए। जो भी वेट लूज़ करना चाह रही हैं लेडीज़ एंड गर्ल्स, वो इसको प्लीज़ ज़रूर यूज़ करें अपनी लाइफ में। एंड जो लेडीज़ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और जब हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर हो जाता है जो हमें नेसेसरी नहीं होता है, तो एक बॉडी फ्रेश फ्रेश फील करती है और जो आपके जो एग्स होते हैं वो उनको बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें।